हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ देसी मुर्गी। मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी देसी मुर्गी है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये कोतमीर है, ये जीरा है, लहसुन, अदरक और मिर्ची। इसको पीस देने का, पीस के आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। तेल गर्म हो चुका है, तेल में हम लोग ने कांदा डाले हैं और ये मैं गोल्डन फ्राई करूँगी। गोल्डन फ्राई होने के बाद जो मसाला पीसे थे ग्रीन वाला वो उसमें, अभी ये कांदा हो चुका है गोल्डन फ्राई, ऐसा गोल्डन फ्राई करना है। अभी इसमें हम लोग मसाला डालेंगे, ये जो ग्रीन मसाला था जो मैंने आप लोग को बताई थी वो, अभी ये मसाला इसमें मैं डाल रही हूँ। अभी ये मसाला इसमें डाल चुके हैं हम लोग, अभी उसको अच्छे से भूनना है। ये पूरी तरह भून जाएंगे, उसके बाद हम लोग हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर वो सब डालेंगे। और मैं लाल कश्मीरी पाउडर डाली हूँ, आप देख सकते हो। और ये थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ मैं, और फिर इसको मिक्स करना है देर से, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। अच्छे से भून चुका है मेरा मसाला, मैं इसमें डालने वाली हूँ अभी चिकन। आप ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें आलू भी है, तो ये आलू वगैरह सब मैं डालने वाली हूँ। आप देखो, देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है मसाले के अंदर। इसमें मैंने अभी तक नमक नहीं डाली, नमक डालने वाली नमक है। आप इसे इसको अच्छे से भूनना है, ऐसे नहीं हल्के से भून ली हो गए, अच्छे से भूनना है। और यहाँ पर हमारे राइस भी है, ये देखो, इसके साथ राइस खाने वाले और रोटी बन चुका है। आप देख सकते हो उसमें गार्निशर किया मैंने कोथमीर का। ये देखिए, ये मेरा चिकन रेडी हो चुका है, और आप लोग भी ट्राई कीजिए। और ये मेरा चावल भी हो चुका है, आप देख सकते हो। बाय ऑडियो जंगल।